नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। ज्ञानवापी केस यही आज बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि आज बड़ा दिन है। सर्वे का पड़ाव पार करके ये मामला अब कानूनी दहलीज पर पहुंच चुका है, और इसी सिलसिले में आज दो अदालतों में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के जवाब दाखिल होंगे, जबकि हिंदू सेना नाम का संगठन पहले ही अपना जवाब दे चुका है। उधर वाराणसी अदालत में आज ही इस मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इस पर सुनवाई कर रहा है। उधर वाराणसी कोर्ट में आज सर्वे रिपोर्ट जमा होनी है, जबकि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा कल ही अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी है। 2 पन्ने की रिपोर्ट है। अजय मिश्रा इसमें पूरी डिटेल्स दे चुके हैं। पश्चिम दीवार के पास पुराने मंदिर का मलबा, इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। दीवार के पास देवी देवताओं की कलाकृति है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। यानी कि अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर हिंदू मंदिर के प्रमाण अंदर देखे गए हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। इसकी तमाम डिटेल्स लिखी गई है। उत्तर से पश्चिम की तरफ शेषनाग की कलाकृति है, पूर्व दिशा में शिलापट है, पत्थर के ढेर है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। सर्वे में दिया जलाने की जगह भी दिखाई दी है, ये भी रिपोर्ट का हिस्सा है। सिंदूरी रंग की 4 मूर्तियों की आकृति है, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस तरह की तमाम चीजें ज्ञानवापी में मौजूद हैं, जो मंदिर की ओर इशारा करती हैं। पूर्व कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये आपको दिखा देते हैं। पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, ये सर्वे में दावा किया गया है। ये अजय मिश्रा की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति है, और सर्वे में ये भी कहा गया है कि शिला पर कमल की कलाकृति दिखाई देती है। साथ ही शेषनाग नागफनी जैसी आकृति देखी गई है, ये भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सिंदूरी लाल रंग की लगी 4 आकृतियां भी देखी गई हैं, ये भी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। श्रृंगार गौरी मानकर इनकी पूजा, जिसको लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जिन 4 वादी ने अर्जी दी थी उसमें इसी श्रृंगार गौरी माता के पूजा की इजाजत के लिए अर्जी दी गई थी। किसी बड़े भवन को तोड़ा गया है, जिसका मलबा एक तरफ ढेर है, ये भी सर्वे में दावा किया गया है। कमीशन की वो एक्चुअल रिपोर्ट हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरी रिपोर्ट में एक एक चीज का जिक्र किया गया है। दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति के साथ साथ 2 पन्ने की इस रिपोर्ट में तमाम डिटेल्स दिए गए हैं कि कैसे शिला पर कमल की कलाकृति के साथ साथ तमाम ऐसी और कलाकृतियां और अवशेष मिले हैं, जिनसे मंदिर के साक्ष्य साफ तौर पर दिखाई देते हैं। सिंदूरी लाल रंग लगी 4 आकृतियां भी देखी गई हैं इस रिपोर्ट में, ये साफ तौर पर कहा गया है। श्रृंगार गौरी मानकर इनकी पूजा की गई। तो ये तो आपने पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट देखी, लेकिन आज विशाल सिंह, जो कि अभी मौजूदा कोर्ट कमिश्नर है, वो भी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। उनसे बात की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने, सुनिए उस बातचीत को। अजय मिश्रा जो पहले कमिश्नर बनाए गए थे, उन्होंने अपने 2 पेज की ये रिपोर्ट पेश कर दी है, और वो रिपोर्ट इस वक्त हम लोगों के पास भी है। देखिए, मुख्य बातें जो मोटे तौर पर बताया गया है कि 6 मई को और 7 मई को जो सर्वे हुआ था, उन्होंने उसके बारे में लिखा है, और ये लिखा है कि पुराने मंदिरों का मलबा मिला है पश्चिमी दीवार पर, जहां पर वो पहले से मंदिर का विध्वंस दिखाई देता है। उसके दूसरी तरफ देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई है, अन्य शिलापट भी मिले हैं, कमल की कलाकृति मिली है, इसके अलावा शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृति देखी गई है, देवों के विग्रह यानी कि कुछ मूर्तियों के टूटे हुए अंश भी मिले हैं। साथ साथ काफी पुराना, बहुत समय से पड़े हुए जो विग्रह हैं, वो तमाम चीजें इसमें मिली हैं। शिलापट भी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो मिले हैं। लेकिन इस समय
हमारे साथ विशाल सिंह हैं जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर है। स्वागत है विशाल सिंह जी। पहली रिपोर्ट तो सबमिट हो गई कल, और ये तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट में भी है, आप लोगों ने देखी। चूंकि कल ही मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ हैं, और 6 और 7 की रिपोर्ट कल ही के इंटरव्यू में मैंने कह दिया था, 6 तारीख और 7 तारीख की रिपोर्ट वो दाखिल फाइल करेंगे, और उसके बाद की जो रिपोर्ट है 14, 15, 16 जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर की रिपोर्ट है वो हम दाखिल करेंगे, और संभवतः आज हम लोग दाखिल कर देंगे 2 बजे से पहले, 12 बजे के बाद 2 बजे के पहले दाखिल कर देंगे। तो आप ये जो रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो आपके सहयोगी ने फाइल की है, ये तमाम चीजें आप लोगों ने भी देखी जी? उस समय तो मैं कमीशन में नहीं गया था उनके साथ, लेकिन चूंकि बाहर की दिवाली थी तो मैंने बाद में देखी थी, तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट में किया है वो उनका स्वतंत्र अधिकार है, और रिपोर्ट सबको मान्य होनी चाहिए। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है कमीशन की कार्रवाई की वो उनके द्वारा दी गई है। तो उसमें बहुत सारी चीजें मिले हैं, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, शिलापट्ट मिला है, दीवारों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि ये तमाम चीजें मिले हैं, आपने भी देखा है? जी हमने तो देखा था, जो देखा है वो हम बाद में अपनी रिपोर्ट में दे देंगे, क्योंकि चूंकि पीछे के थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी देखा था, वो मेरी रिपोर्ट अभी कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट में चली जाए उसके बाद आप भी देख लीजिए। शिवलिंग पर बड़ी तेज चर्चा है, शिवलिंग है या फवारा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा? अब यह कॉन्फिडेंशियल बहुत ही गोपनीय है, और रिपोर्ट जो है अब आज हम लोग दाखिल कर देंगे, फाइल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है उसमें। अच्छा, ये तो जो रिपोर्ट आई है ये बाहर की रिपोर्ट है जो उन्होंने की है? हाँ, बाहर सिर्फ बाहरी दीवार की रिपोर्ट है, अंदर की रिपोर्ट मैं दाखिल करूंगा। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, देखिए आपने स्वयं विशाल सिंह से बात की, उन्होंने हालांकि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन जो रिपोर्ट वो दाखिल करेंगे और जो अजय मिश्रा ने दाखिल की है वो अलग अलग दिन की रिपोर्ट है, इन दोनों रिपोर्ट में मतभेद है या फिर क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि हमने कल देखा था कि दोनों कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, साफ तौर पर तो नहीं लेकिन जाहिर तौर पर दोनों के बीच मतभेद तो है। देखिए नेहा, रिपोर्ट में वो मतभेद दिखता है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट में मतभेद दिखेगा, लेकिन मतभेद इस बात पर जरूर है कि एक रिपोर्ट होनी चाहिए थी, चूंकि ये पूरा सर्वे जब हुआ है तो एक आदेश पर सर्वे हुआ है, लेकिन दो अलग अलग रिपोर्ट है, यानी कि 6 और 7 तारीख को जो पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा है उन्होंने जो रिपोर्ट की थी, उन्होंने जो किया था उसकी रिपोर्ट इन्होंने दी है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, और 3 दिनों तक जो कार्रवाई चली है स्पेशल कोर्ट कमिश्नर जब विशाल सिंह बनाए गए हैं तो ये 3 दिनों की रिपोर्ट उनकी होगी, यानी कि कुल 2 रिपोर्ट होगी, एक परिसर के बाहर की रिपोर्ट जो अजय मिश्रा की रिपोर्ट है, और दूसरी विशाल सिंह की रिपोर्ट। कायदे से सभी लोगों के दिमाग में या सोच यही रही होगी कि कोई एक रिपोर्ट, कोई एक ज्वाइंट रिपोर्ट होगी जो दोनों लोग जो एक साथ सामने होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आपसी जो मतभेद उभर करके आए इस दौरान, कहीं ना कहीं दोनों के बीच की जो कह सकते हैं तलखियां रही वो इसमें जरूर दिखा कि अलग अलग रिपोर्ट हो गए। हालांकि रिपोर्ट के कंटेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज होगी या लिखी जाएगी, और दोनों ने चूंकि एक तरीके से अलग अलग सर्वे भी किया है, क्योंकि विशाल सिंह वो बाहरी सर्वे में नहीं थे उस वक्त, उसे अकेले अजय मिश्रा ने किया था, तो ये रिपोर्ट है, और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं, और आगे ईश्वर कृपा। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कहे अगर फव्वारा है तो चलाकर दिखाइए, तो कहे ये तो बंद है, हम कहे कितने साल से, कहे 50 साल से, हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग पे, दूसरी चीज फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता, आप जहाँ भी कहिए पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जमा जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है, और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊँचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है, ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज, किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखेंगे, वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई, जब टोडर मल जी हम मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश दी थी, और दोनों के बीच में लगभग 83 से लेकर 90 फीट की दूरी है। आज किस किस चीज पर बहस होनी है? अब जो विशाल सिंह जी जो देंगे उस पर होने हो, हाँ रिपोर्ट, हाँ
हाँ, जो दूसरी याचिका दायर की गई है, हम लोग क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए तो देखे कि उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है जिसमें गिरता है शिवलिंग 100 से 150 फीट ऊंची हो गई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि यह विधि जो है दीवार, यह दीवार जो दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी तरफ से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी के तरफ जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है वह मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करेगा और यही विजय सूत्र ज्ञान बापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। दूसरा रिपोर्ट पेश होगी, दूसरा वही दीवार हटाने का मामला है जो महिलाओं ने, हाँ, जो चार वादी महिला लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक, इन्होंने दिया कि हाँ दीवार हटाई, हाँ दीवार हटाई, हाँ, 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 और सभी वादी महिलाएं माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी, मैं सभी उपस्थित रहेंगी, हम खुद भी उपस्थित रहेंगे। ये जो कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, हाँ, सीधा नंदी के सामने वो दिखाई दे रहे हैं जो आज विशेष तौर पर शिवलिंग कर रहे हैं, हाँ, सीधा है वो किसी समय का है या कब का है? देखिए ये पहले का है ना, जो सफाई हो रही सब पहले का है। सत्यम किम, सत्य की ही विजय होती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे आने वाला दिन स्पष्ट कर देगा, हमें माननीय न्यायालय का पूर्ण भरोसा है। हाँ वो भी तो है, आगे जो शौचालय है उसको भी हटाने की मांग है। तो बाबा का अपमान हो रहा था ये आप लोगों ने देखा उसमें? हाँ, हमको उस देवादिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति पे हमें क्या देखे, मतलब कि जो वजू कर रहे हैं पैरों के पानी देख करके बाबा के पास जा रहे, हमारे रोंगटे जो है खड़े हो जाते, हमको लगता कि याद है देवादिदेव, हम कैसे जिंदा हैं, जैसे जल्दी से जल्दी बाबा को मुक्त कराएं, हमको यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। तो कानूनी लिहाज से ज्ञानवापी विवाद में आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले पर सुनवाई है, कई याचिकाएं हैं और सर्वे रिपोर्ट भी है। हिंदू पक्ष पूरा जोर लगा रहा है कि मस्जिद परिसर में जो मिला उसे शिवलिंग साबित कर दिया जाए, तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा साबित करने के दांव पेच भिड़ा रहा। करीब 2 हफ्ते से देश भर में खलबली मचाए हुए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज फिर कानून की दोहरी चौखट पर है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो दूसरी तरफ वाराणसी की स्थानीय कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले के सभी पक्षकारों को अपना जवाब रखना है। मंगलवार की सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। वहीं वाराणसी की अदालत में मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, साथ ही आज सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा अपनी रिपोर्ट कल ही कोर्ट को सौंप चुके हैं। वाराणसी की अदालत में बुधवार को वकीलों की हड़ताल थी, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई, वही सुनवाई आज तय की गई है। इसके अलावा पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 20 मई का वक्त दिया था। 20 मई को भी वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर रखा है, इसीलिए वो रिपोर्ट भी आज ही जमा होनी है। बड़ी बात यह है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने एक सर्वे रिपोर्ट कल ही जमा कर दी है। ये रिपोर्ट 6 और 7 मई को हुए सर्वे की है। हालांकि तब अजय मिश्रा विरोध के चलते अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन जितना सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट वो जमा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर खंडित देव विग्रह का जिक्र है। मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और कमल आकृति के शिलापट का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कि जो गुंबद तीनों बने हैं, ये गुंबद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुंबद है और उन गुंबद के ऊपर बड़ा गुंबद रख दिया गया है, और जब नीचे से देखेंगी तो गुंबद बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुंबद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुंबद है वो आज बड़ी गुंबद के नीचे है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, तो बता रहा हूँ कि छोटा गुंबद है वो मंदिर का गुंबद है, उसके ऊपर बड़ा गुंबद रखकर मस्जिद में कन्वर्ट कर और तीनों गुंबद। तो फिर तो आप लोग गुंबद को हटाने की भी मांग करेंगे, आपकी मस्जिद के गुंबद हटाकर जांच कराइए। देखिए मस्जिद है ही नहीं है, इसको हिंदुओं ने गलती ये की है या कहिए कि बोलचाल की भाषा में स्वीकार करें मस्जिद, मस्जिद मस्जिद है ही नहीं है, ये तो महाजिद है।
सर्वे रिपोर्ट जमा होने के अलावा वाराणसी कोर्ट के सामने आज तीन अहम याचिकाएं भी हैं। पहली याचिका श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी महिलाओं की है, जिसमें नंदी के सामने की दीवार हटाने, तहखाने से मलबा हटाने और शिवलिंग की पूजा की इजाजत की मांग है। दूसरी याचिका सरकारी वकील की है, जिसमें वजू खाने की पाइपलाइन बाहर शिफ्ट करने की मांग है, क्योंकि ये जगह अब सील कर दी गई है। कोर्ट के सामने आज हिंदू पक्षकारों की ये भी अर्जी है कि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को दोबारा शामिल किया जाए। कोर्ट कमिश्नर को नामित करके उनके माध्यम से इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर दो लाइन में अगर बता पाए आप, हाँ, ये चाहते हैं कि एक नए वकील कमिश्नर की नियुक्ति हो, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो, जो इन तीन बिंदुओं के लाइट में ऑनरेबल कोर्ट को आख्या दे और फिर देन ऑनरेबल कोर्ट जो है उसके कमिश्नर की नियुक्ति हो फिर से। यस यस यस, नए कोर्ट कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर की, यस यस, कौन होने हैं कोर्ट कमिश्नर, इसकी मांग कर दी गई है। ये कोर्ट कमिश्नर की मांग डीजीसी सिविल साहब ने ऑनरेबल कोर्ट से किया है। वाराणसी से आगे दिल्ली में जो मामला तय होना है उसमें सबसे अहम होगा यूपी सरकार का जवाब। कोर्ट के नोटिस पर यूपी सरकार जो हलफनामा दायर करेगी उससे साफ हो जाएगा कि यूपी की योगी सरकार का इस मामले में क्या रुख होगा, जबकि मामले की एक पक्षकार हिंदू सेना ने अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है। हिंदू सेना ने जवाब में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की है। हिंदू सेना का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने कई तथ्य और ऐतिहासिक बातें अदालत से छिपाई हैं। हिंदू सेना ने यह भी कहा है कि इससे पहले दो बार ज्ञानवापी में सर्वे की कोशिश हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई, ये बात अदालत को नहीं बताई गई। ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष ने धार्मिक स्वरूप पर अपना पक्ष नहीं रखा, सिर्फ 1991 के कानून पर ही जोर दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्षों का पूरा जोर इस बात पर है कि वजू खाने में जो मिला वो शिवलिंग है या फव्वारा। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर अड़े हैं, लेकिन इसका फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन अदालत सर्वे रिपोर्ट को अच्छी तरह खंगालने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं, कुमार अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। अर्पिता, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, सोहन लाल आर्य जिनको हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि अगर कोर्ट कुछ मांगों को मानता है, कुछ को नहीं मानता है, तो भी उनका एक बैकअप प्लान तैयार है। कैसे वो अब अगली याचिका इसके बाद दायर कर देंगे अगर उनकी सभी मांगों को नहीं माना जाता है, इस पर क्या जानकारी मिल रही? बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष अब जैसा वहां पर उनको साक्ष्य मिला है उससे बहुत उत्साहित है और ये नेहा स्वाभाविक था और जाहिर दिख रहा था उनके दावों के बाद से कि जल्द ही बहुत सारी याचिकाएं, चाहे वो दीवार तोड़ने की हो, चाहे वो मलबा हटाकर वहां पर जो खंडित मूर्तियां हो उनकी वीडियोग्राफी करने की हो, तहखाने की जो बात हो रही है उसकी हो, इन सब जगह पर गहन सर्वे की मांग अब हिंदू पक्ष कर सकता है। वो जब दावा कर रहा है कि वहां से शिवलिंग मिला है, लेकिन जल्दी से जरा बनारस के जो लोग हैं, जो बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नोड़ रही ना, कर्नाटक का हुबली, नमगा कन्नड़ा बरती, हिंदी पंदी बरंगिला, हिंदी नहीं आती आपको? थोड़ा थोड़ा आता है आपको? एमपी इंदौर से जी। दर्शन करे, दर्शन अभी करने जा रहे हैं। तो अभी जो आज रिपोर्ट पेश हुई है, जो 6 और 7 तारीख को सर्वे हुआ था, जिसमें बता रहे हैं वहाँ पर स्वास्तिक के निशान है, कमल के निशान है जी, क्या कहें? ये तो पुरातत्व विभाग जो शासन ने जो किया है, अब वो शासन के अनुसार अब हिंदू की मूर्तियाँ निकलती है तो उसमें हिंदू की स्थापना होना चाहिए, मतलब आंध्रा तेलुगु से कुछ हिंदी बोल लेते हैं। हाँ, हिंदी में बोलते हैं। मैं हैदराबाद से आया हूँ। आप कर्नाटक से? कर्नाटक से। आप कितना, आप यहाँ जो ये अभी सर्वे चल रहा है जिसकी आज रिपोर्ट पेश होनी है और 2, 6 और 7 तारीख को जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें कई ऐसे हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं कि शिवलिंग तक मिला, कई सबूत जो दिखा रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, वो सबूत मिले तो हिंदू बना, हिंदू टेम्पल बनाना पड़ेगा उधर। आप? मैम ज्ञानवापी नाम ही उसका, ज्ञानवापी है तो फिर हिंदू का ही मंदिर होगा। मैम हम भी ये चाहते हैं कि हिंदू मंदिर बने और जो अस्तित्व मिले हैं उसके हिसाब से पूरा लगता है कि वहाँ हिंदुत्व का ही अस्तित्व है। अच्छा, तो सर्वे की टीम अभी फिर से आएगी, मान लीजिए आप कहाँ, ये बेलपत्र तो कहते हैं बाबा को बड़ा चढ़ाते हैं, उनको क्या है इसकी मान्यता? बेलपत्र भोलेनाथ के चरणों प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, सारी मनोकामना पूरी करता है, तो ये तो जोड़ों पे चढ़ाई जाती है ना? हाँ, जोड़ा चढ़ाने। कितने कितने जोड़ा लेके जा रही है? हम कितने? 7 जोड़ा। हाँ, आप? रोशनी यादव इंदौर से। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू धर्म, यदि हमारे शिव जी की पूजा हो और मंदिर की स्थापना वहाँ पे।
मंदिर की स्थापना। आप कहाँ से आए सर, आइए थोड़ा आगे। मुंबई से आए दर्शन करने। थैंक यू सर। मुंबई से आप भी साथ में आए। यहाँ पर सर्वे का तो आप देख ही रहोगे टीवी पे, तो आज रिपोर्ट पेश होनी है 6 और 7 के अंतर्गत। लॉटरी में आपके पास तमाम लोग वहां पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं ज्ञान वापी को लेकर। कुमार अभिषेक का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि अयोध्या में जो नई मस्जिद बनाई जा रही है उसके आर्किटेक्ट प्रोफेसर एस एम अख्तर की ज्ञान वापी मामले पर राय क्या है। प्रोफेसर अख्तर फव्वारे की थ्योरी को सही बता रहे। हम एस एम अख्तर साहब के पास हैं जो कि प्रोफेसर रहे हैं जामिया में, और साथ ही साथ जो बाबरी मस्जिद अब नई बनेगी उसका भी आपने पूरा नक्शा आपने खींचा है। अगर हम समझना चाहें जो एक तरीके से हौदा है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, अगर हम आर्किटेक्चर के हिसाब से देखें। देखिए हौदे की जहां तक बात है कि इस्लामिक कोई भी वर्क हो, चाहे नमाज पढ़नी हो या कुछ भी करना, तो उसे एबुलेशन फर्स्ट होता है, पाकीज़गी जिसे कहते हैं। क्लीन फर्स्ट यू हैव टू क्लीन इट एवरी टाइम। दिन में 5 बार नहाते नहीं तो 5 बार वजू ज़रूर करते हैं। तो हर मस्जिद में वजू खाना होता है प्रेयर हॉल के पहले, पहले आदमी वजू करता है फिर अंदर जाता है। अब वाटर में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए, जैसे जैसे क्राइसिस थी, वैसे वैसे वो डिज़ाइन री इम्प्रोवाइज होती गई हैं। पहले उसको पॉन्ड की तरह बनाया गया, जब पौंड आपने बना लिया तो फिर ये आपने सोचा कि पौंड में स्टैग्नेंट वाटर अगर हो जाएगा तो सड़ जाएगा पानी, हर आदमी जानता है स्टैग्नेंट। तो स्टैग्नेंट वाटर ना रहे उसके लिए क्या है, उसके अंदर फवारे लगा दिए, फाउंटेन, वजू खाना मिला है, वहाँ पत्थर मिला है, इसका कुछ आपके पास कोई साइंटिफिक कुछ है क्या कि इस तरीके से फवारा चलता होगा, कुछ होता होगा? देखिए वो तो वहाँ पे अगर जाके रिसर्च की जाए तो आपको उसका सब मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं फवारा कैसे चला, लेकिन ये फंडामेंटल बात है कि हर पॉइंट को वाटर स्टैग्नेंट ना होने पाए सड़ने, तो उसको रिसाइकिल करने के लिए फाउंटेन की जरूरत पड़ती थी कई जगह, तो फाउंटेन्स को जहां पे कर पाए हैं वहां पे यूज किया है। और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, फाउंटेन रहा होगा तो वो फंक्शन कैसे करता था, कि हो सकता है कहीं पानी कहीं, अब वहां से कंटूर किया है, होलिस्टिक स्टडी पूरे एरिया की करनी होगी कि पानी लाए कहां से, पानी लाए फिर उसके बाद हो सकता है उसे ऊपर से कहीं ड्रॉप करते हो तो फाउंटेन में अपने आप उठ जाता हो। तो ये सब तमाम मैथड है, मैंने आपको बताया कि उस खत की अगर आप रिसर्च करेंगे तो साइंस में उस वक्त एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है ना रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी ना रही हो, मोटर ना रहा हो, लेकिन फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा कमांड थी और मैकेनिक्स पे, फिजिक्स और मैकेनिक्स से व्हील्स को रोटेट करके वाटर को बहुत डिस्टेंस तक कैरी किया गया और लिफ्ट किया गया है। इसकी एविडेंसेज आपको दिल्ली में इटसेल्फ मिल जाएगी, इंडिया में मिल जाएगी और इंडिया के बाहर भी मिल जाएगी। BHU IIT में मटेरियल साइंस के प्रोफेसर RS सिंह ने भी उस आकृति के वीडियो की पड़ताल की है, हिंदू पक्ष जिसके शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। प्रोफेसर सिंह के मुताबिक इसके फव्वारा होने की संभावना बेहद कमजोर है। सर ये जो वीडियो जो फोटो दिख रहा है ये क्या है, क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है, ये पत्थर अलग है, कोई कह रहा है कि नहीं जी ये तो फव्वारा है। मेरे अपने जो पर्सनल विचार है ये मुझे शिवलिंग की तरह दिख रहा है, और एक लोग फवारा इसलिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपरी सिरे पे फवारा नुमा कुछ बना हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के और ऊपर के कलर में जो रंग है वो एकदम अलग है, ऊपर का कलर सफेद है और नीचे का नीचे जो पत्थर दिख रहा है जो शिवलिंग पत्थर है या किसी तरह का भी पत्थर, कुछ किसी तरह का भी पत्थर हो सकता है, तो नीचे का जो रंग है वो एकदम अलग है, ऊपर का रंग सफेद दिख रहा है, लग रहा है जैसे बाद में ये ऊपर कुछ बनाया गया है और उसको फव्वारे का स्वरूप दिया गया है। और अगर आप देखें भी तो मुगल आर्किटेक्चर में ऐसे फव्वारे हैं, लेकिन फव्वारों के लिए उस समय मतलब फव्वारों को चलाने के लिए कोई बिजली तो होती नहीं थी, तो इस एक अलग तरह का सिस्टम होता था जिसमें पानी को बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता था और पानी प्रेशर के साथ आके फवारा का आकार ले लेता था। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से विश्वनाथ मंदिर में अब तक तो प्रकाश में नहीं आया है कि इस तरह की कोई व्यवस्था थी। तो अभी तक जो देखने से लगता है और जो वीडियो जो कुछ लिए आए हैं उनसे देख के तो मुझे तो जो मेरा पर्सनल विचार है ये शिवलिंग है। सर आपको एज एन एक्सपर्ट भी मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, तो शिवलिंग का आकार नीचे तो दिख रहा है, ऊपर सफेद रंग का कुछ और रखा हुआ है, तो ये क्या दिख रहा है आपको?
मेरे हिसाब से ये मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है इसमें मेरे हिसाब से सीमेंट जैसा कुछ दिख रहा है और जहाँ तक ये हो सकता है ये व्हाइट सीमेंट हो सकता है जो बाद में ऊपर लगाया गया हो और उससे फव्वारे का आकार देने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि व्हाइट सीमेंट पत्थर पे जल्दी जुड़ जाता है, ये पानी के अंदर रहता था इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ कुछ छींटे टाइप के भी दिख रहे हैं, तो इसमें ऊपर का जो पोर्शन है वो सीमेंट होने की संभावना ज्यादा है। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ी हुई हैं। अर्पिता देखिए, अब पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो फव्वारे और शिवलिंग के इर्द गिर्द सिमट कर आ गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फव्वारा है, कुछ का मानना है ये नहीं है, कुछ का कहना है ये शिवलिंग है, कुछ का कहना नहीं है। अब इस पूरे मामले को काफी हद तक आज जो सर्वे रिपोर्ट पेश होगी उसमें क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या वो फव्वारा वाकई चलता है, उसमें पानी की निकासी है, उसमें पानी की एंट्री है, या फिर वो कभी चलता रहा होगा या फिर नहीं, इन तमाम चीजों पर क्लैरिटी मिल पाएगी। बिल्कुल, देखिए अब हिंदू पक्ष की तरफ से जो साफ तौर पर कहा जा रहा है, जिसकी संभावना दिख रही है, जैसा हिंदू पक्ष से बात करते समय भी लगा, वो ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा जो वायरल वीडियो है, जो शिवलिंग नजर आ रहा है उसके चारों तरफ आप गोलनुमा एक दीवार सा देख रहे हैं, उस दीवार को भी हटाने की बात हो रही है ताकि ये पता चल पाए कि जो स्वरूप अभी उनको शिवलिंग का दिख रहा है ऊपरी हिस्सा, क्या नीचे भी ऐसा ही जो स्ट्रक्चर निकलता है शिवलिंग वो निकलता है, वो खुदाई की बात हो सकती है हिंदू पक्ष सामने रखे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और अगर ऐसा होता है खुदाई के बाद तो वो एक बड़ा सबूत यहाँ हिंदू पक्ष की तरफ से होगा, पहला नंबर ये। दूसरा, ये एक बड़ा साक्ष्य है जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है वो सामने रखना चाहता है। दूसरी तरफ जिस मलबे का जिक्र हो रहा है, जो दक्षिणी दीवार की बात हो रही है, वहां पर कहा जा रहा है बहुत सारी मूर्तियां हैं जो खंडित अवस्था में है, कुछ सही अवस्था में है, तो जब तक वहां से वो मलबा हटाया नहीं जाएगा तब तक वहां की हकीकत जो है वो सामने नहीं आ पाएगी, इसलिए अब मांग होगी कि उसको भी हटाया जाए। तीसरी मांग जो आप सुन रही थी लगातार कि वहां वजू करने से रोका जाए, वहां नमाजी जो पहुंच रहे हैं उस तालाब का इस्तेमाल ना करें, ये सारी दलीलें हिंदू पक्ष जाहिर तौर पर एक बार फिर से सामने रखेंगे और गहन जांच की बात सर्वे में कही जाएगी कि एक बार फिर से सर्वे हो और गहन जांच हो। हो सकता है एएसआई जांच की मांग भी हिंदू पक्ष की तरफ से कर दी जाए ताकि वहां पर ये साबित हो पाए उनके हिसाब से कि क्या क्या निशानियां मिली हैं। अब जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट सौंपी गई है, क्योंकि 6 से 7 तारीख जो अजय मिश्रा जब वहां पर सर्वे के दौरान मौजूद थे, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त थे उस टाइम पे, वो जो 2 दिन के सर्वे की रिपोर्ट थी वो कोर्ट के सामने रख दी गई है। जैसा कि उसमें लिखा है, स्वास्तिक है, जो कलाकृतियां हिंदू सभ्यता में होती हैं, घंटे का निशान हो गया, शेषनाग का निशान हो गया, ये सारा वहां पर दिखा है, जो आज कोर्ट के सामने रख दी गई है बातें। लेकिन ये जो 3 दिन का सर्वे हुआ है, वो 3 दिन का सर्वे जिसका निकलकर हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो ये दिखा रहे हैं कि वहां पर मंदिर था, वो सारे साक्ष्य अब कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। साथ ही साथ वो तीसरे दिन जिसको कह रहे थे कि नंदी जी को बाबा मिल गए, यानी वो शिवलिंग की बात भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी। अर्पिता बने रहिए, लौटेंगे आपके पास।